उसी शिवालय पर जो कि हम रुके हुए थे, और ये नदी यहाँ से एकदम मोड़ है, इधर की तरफ मुड़ी है, और जो कि अभी हम पुल पर हैं और यहाँ बोटिंग हो रही है, जो कि नाव चला रहे हैं और मछलियाँ पकड़ रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों को बता दूँ, यहाँ का व्यू देखिए, पहले तो एक नंबर है ये, और काफ़ी ही बड़ी नदी है और काफ़ी साफ भी है, इसमें गंदगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सरयू नदी है। पानी देखिए बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, कहीं भी गंदगी नहीं दिख रही होगी। और मॉर्निंग का टाइम है, जो कि ये है यहाँ का व्यू कुछ ऐसा देखने को। तो यहाँ से हम लोग अब निकलते हैं आगे की ओर, आइए चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग एक दुकान पर रुके हुए हैं, जो कि हम लोगों ने ना बंद मक्खन और चाय मतलब ऑर्डर किया था, तो बंद मक्खन तो बन गया। उसके बाद ये वहाँ से है ना चाय का इंतज़ार करने लगे, बंद मक्खन ठंडा हो गया, फिर चाय बन के आ गया, फिर बंद मक्खन गर्म होने गया, चाय नहीं पी रहे, फिर चाय ठंडी हो जाएगी। तो दोस्तों, दिखाता हूँ आपको बंद मक्खन और चाय। ये है बंद मक्खन है, ये जो कि पाव होता है ना, वो है जो कि बर्गर बनता है वैसे ही है, तो इसमें जैम वगैरह लगा हुआ है और मक्खन है, और ये अपनी चाय है। आप लोग भी खाए पी लीजिए, नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं, लेट हो रहे हैं मेंचेज आज हम लोग बहुत। दोस्तों, तो आज हम लोगों ने ना इतनी तेज़ साइकिल चलाई, इतनी तेज़, कम से कम 40 की, 35-40 ऐसी स्पीड पे भागी है साइकिल, बहुत ही तेज़। हमने एक मतलब पानी ख़त्म हो गया था हमारा, तो पेट्रोल पंप पे रोकने के लिए करते थे, पेट्रोल पंप भी पीछे छूट जाता है, इतनी तेज़ साइकिल थी, तो आगे निकल जाते, फिर स्लो की, उसके बाद अब रुके हैं एक पेट्रोल पंप पे जहाँ पानी वगैरह भरते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं। दोस्तों, तो जो कि हम आजमगढ़ पहुँच चुके हैं, और यहाँ के जो सांसद जी हैं दिनेश लाल यादव जी, उनके इलाके में आ चुके हैं। तो मैंने सेविंग बनवाई है, अब ये बताओ ये चीज़ मेरी ठीक लग रही है, मतलब चेहरा ठीक लग रहा है देखने में, अगर ख़राब लग रहा हो तो वो भी बताना, क्योंकि मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ। और ये चीज़ ना उन्होंने कुछ ज़्यादा गुलाम कर दी, और ये चीज़ तो सही से सेट ही नहीं की है, अब मैं बाल बड़े कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कहीं कटिंग कराता नहीं हूँ, सीधे प्रतापगढ़ में कराता हूँ, इलाहाबाद से प्रतापगढ़ कटिंग कराने के लिए आता हूँ। अब बताओ, बड़ा दिमाग ख़राब हो रखा है मेरा, सुबह से जब से कटिंग करा रखी है, सेविंग सेट और ये सेट हो, ये ख़राब लग रहा है मेरे को, इधर सेट कर दिया, इधर नहीं किया है, हल्का किया है बस, आखिर कोई नहीं, देखेंगे जो भी होगा, अच्छा लगे या ना लगे, आप बताओ पर कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है, हम यहीं पर रुकने का अपना प्लान कर रहे थे, पर यहाँ नहीं रुकेंगे, यहाँ पर एक कुछ ही दूरी पर डीही बाबा हैं, तो वहाँ पर जा रहे हैं, वहीं रुकेंगे। तो भैया फ़ोन चार्ज हो रहा है, इस चक्कर में थोड़ा 10 मिनट रुके हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, फिर अपना खाना वगैरह वहीं बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, देखो आज क्या बनता है, खाना खाएंगे और पानी पिएंगे। हेलो दोस्तों, जो कि मैं आ चुका हूँ एक ऐसे शहर में जहाँ का नाम सुनकर लोग काफ़ी ज़्यादा ही डरते हैं, जो मैं बता दूँ, सच बताऊँ तो मैं इस टाइम हूँ आजमगढ़ में। तो जैसा लोग बताते हैं कि यहाँ का माहौल ख़राब है, ये है वो है, हम भी आने से डर रहे थे, जब मैं यहाँ आया, मैंने कैंपिंग करना चालू किया, लोग आए अच्छे से, प्यार से बात की है, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं है। जो कि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ डी बाबा के चौतरे पर, जो कि यहीं पर हम अपना कैंपिंग टेंट वगैरह पूरा सामान खुला डाला है, और भैया जो कि बना रहे हैं खाने के लिए, देखते हैं क्या बना रहे हैं। जो कि दोस्तों, अभी भैया प्याज पका रहे हैं और टमाटर रखा हुआ है, तो ये सब पक जाए, उसके बाद आलू काट के तैयार कर रखे हैं मैंने, तो मिलते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। आप लोगों को दिखाता हूँ जो ट्रैवलिंग करते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, साइकिल से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऑल इंडिया टूर, ये देखिए। हमारे पास बाल्टी वगैरह है नहीं, तो यहाँ कपड़ा फंसा दिया है, यहीं डला हुआ था, तो भर गया है, इसी में कपड़े को डप करके फिर निकालूंगा, फिर ब्रश मारूंगा, फिर पानी फैलाऊंगा, फिर कपड़ा सेट करूंगा, फिर ऐसे धुलूंगा, ये हाल। और निकलना भी है, हमारे पास 2 घंटे हैं बस। तो दोस्तों, जैसे कि चावल और सोयाबीन की सब्ज़ी बनी है, तो हम लोग बात ही बात में मतलब वीडियो शूट करना भूल गए, मेन चीज़ निकलना है, लेट हो रहे हैं, तो इस चक्कर में आज माफ़ी मांगता हूँ, आज हम लोग आपको ना खिला पाएँ ना दिखा पाएँ, सॉरी।
दोस्तों जैसे कि आप लोगों को बता दूं, हम लोग मतलब रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं पर रुकने का कुछ हो नहीं रहा है जुगाड़। तो पीछे एक मंदिर पड़ा हुआ था जो कि शिव जी का मंदिर है, नया अभी बना है, आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। तो वहाँ पर कम से कम 7-8-10-12 लोग थे, तो मतलब सब कुर्ता पजामा पहन के तैयार थे। तो हमें लगा हम जा रहे हैं वहाँ, रुकने की जुगाड़ हो जाएगी। तो वहाँ हम पहुँचे हैं तो एक अंकल थे, उन्होंने मतलब रुकने को उन्होंने बोला आओ आओ आओ, फिर हम लोग चले गए। बातचीत हुई, उसके बाद क्या एक आदमी आया तो वो बोलता है कि तुम्हें हम पहचान रहे हैं, तुम जहाँ भीड़ देखते हो वहीं चले जाते हो वीडियो बनाने, न्यूज वाले हो। तो उसके चक्कर में ना हम लोग वहाँ रुके नहीं, हमने कहा उसको गलत सॉरी उनको गलत लग रहा है, इस चक्कर हम लोग चले आए। तो अब आगे देखते हैं जुगाड़ रुकने की कुछ कम समझ में नहीं आ रहा, हंसी आ रही और गुस्सा भी आ रहा है, अब क्या किया जाए देखते हैं। आगे कुछ मिले तो अच्छी बात है, वैसे पेट्रोल पंप दिख रहा है, देखते हैं अगर रुकने का होगा तो रुकेंगे 100% है, देखते हैं। बड़ा आज दोस्तों तो रात रुकने की जगह हम लोगों को मिल चुकी है, जो कि हम लोग आज रुके हैं एक पेट्रोल पंप है, यहीं पर रुके हुए हैं। तो यहाँ का लोकेशन दिखाते हैं क्या है, और आप लोगों को बता दूँ मैं, हम लोग जैसे ही पेट्रोल पंप पे पहुँचे तो हमें बात भी नहीं करनी पड़ी थी, आज अपने आप मतलब रुकने को बोल दिया, हम लोग रुक गए। और हमें दिक्कत बहुत थी आज रुकने के लिए, मेन चीज सिटी होके नहीं आए हम, मतलब गांव होते हुए निकल रहे हैं बनारस के लिए, तो कोई नहीं देखा जाएगा, आराम से ही रुकते हैं रेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं कल न्यू वीडियो में, बाय बाय।